तमाम अकलियतों की जानिब से जनाब बलूचिस्तान में प्राइवेट सेक्टर पर जो हमारे दो चार अदारे थे या मिल थी, बुलान मेडिकल मिल, हरनाई मिल, और वो भी बंद करवा दी गई हैं दानिस्ता, और प्राइवेट सेक्टर पर कोई काम है नहीं है, कोई जॉब नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट्स हेल्थ एजुकेशन या बड़े जहां जॉब के कोई सहूलत है, कोई अक्सरियत वहां अपॉइंट हो सकती है, हमारे वज़रा इस वक्त बैठे नहीं हैं, तो हम लोग किससे बात करें। हमारी दो बहनें बैठी हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ये 30,000 नौकरियों के तो हर साल बजट में हमें बता दिया जाता है कि 30,000 नौकरियाँ। मैं अमूमन बात करता हूँ अकलियत की, लेकिन अकलियत से हट कर मैं बात करता हूँ, हमारे अक्सरियत के लोग, बच्चे और बच्चियाँ भी बेरोज़गार हैं, हर घर में परेशानी है। हमारे साथ हम जहाँ पब्लिक में जाते हैं, हमारे हम उनके सवालात का कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जो बच्चे हैं जिनको बड़ी मुश्किल से तालीम दिलवाते हैं, या गुरबत बलूचिस्तान में इतनी है, और कोई किसी सवाल का हम जवाब अक्सरियत वाले भी मिनिस्टर तक नहीं दे सकते कि क्या हम लोग उनको जवाब दें। जहाँ स्कॉलरशिप की मेरे भाई ने, अमल भाई ने बात की है, मजहबी उमूर के डिपार्टमेंट में दिनेश साहब के पास 2 साल से बजट आया हुआ है, जिसमें स्कॉलरशिप तो अभी 2 साल का बजट में से जो एप्लीकेशन ने पब्लिक ने दी है उसमें कोई अमल नहीं हो रहा 2 साल से, और बेटियों की शादियों के लिए दी और माजूर अफराद के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी भी बेटियाँ जो 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं, जिन्होंने मुझे एप्लीकेशन मेरे तवसत से दी, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं जाता हूँ उस डिपार्टमेंट में तो हर मर्तबा कहते हैं कि जी अभी मीटिंग नहीं हुई, अभी तक मिनट्स नहीं बने, और जैसे सिक्योरिटी की मद में पैसे थे उसमें भी जो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मौजूदा दौर में हमारे पास कोई जवाब जान साहब, एक मिनट, मिनिस्टर साहबान में से कोई अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो, अगर कहीं पे है तो मेहरबानी करके असम्बली के फ्लोर पे तशरीफ़ ले आए, कि हुकूमत की जानिब से 2 मेंबर के अलावा कैबिनेट मिनिस्टरों में से कोई नहीं है, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी फ्लोर पे आ जाएं। जी जान साहब। सर ऐसे कि जिन बच्चों के या जिन नौजवानों ने या बेटियों के माँ बाप ने दरख्वास्त दी, उनसे मैंने कहा कि अपने जो वसाइल नहीं है कुछ थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर ले, आपकी एप्लीकेशन जमा करा दी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। आपके तो असर से मैं कहना चाहता हूँ कि मजहबी उमूर के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे कहा जाए कि फौरी तौर पर उनकी रिलीज़ करें। स्कॉलरशिप पर भी नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तालीम में रुकावट नहीं डाली जाए। पहले कोरोना की वजह से वबा फैली हुई है, लोग सब परेशान हैं, अभी सर्दियों का मौसम आया। मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूं इसमें गैस के हवाले से, कि इस सर्दी के मौसम में इस पर बहुत से फिर असर होगा, और बेशतर हमारे जो स्कीमात हैं मैं उनके लिए काफ़ी आने लग पा शुरू होने शायद हो जाए, और अभी तक उन पर स्कीमात पर गैस सप्लाई नहीं की गई। बजट पैसे मंजूर करने का कोरोना के लिए क्या फ़ायदा, जब उनकी जो जायज़ हम लोग गैस सप्लाई नहीं कर सकते, जिससे हम लोगों की जिंदगियां बचती हैं। हमें तो गैस इस्तेमाल मिलती इसलिए कि हम अपनी ज़िंदगी बचाएं, ना कि हम खाना बनाने के लिए। तो सिंध और पंजाब या दूसरे सूबों को गैस इसलिए मुहैया की जाती है कि वहाँ उनके लिए रोटी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ कोयटा में बलूचिस्तान में गैस इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। अभी तो फिर कुछ टाइम है, सर्दी का ज़्यादा शुरू हो जाए, तो इसमें कोई हमारी मदद करें। सरकार की तरफ से तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए जाते, या जो मैं
कहता हूँ कि उससे उस मद में कोई अगर हम गवर्नमेंट हमें मदद कर दे या खुद अपने दिनेश की तवसत से लगा दे, अपने नुमाइंदे के थ्रू वहाँ गैस सप्लाई कर दे। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रोज़गार का जहाँ तक हमारे बच्चे ने जहाँ एजुकेशन में दिया है एप्लीकेशन, पूरे बलोचिस्तान के अकलियत के बच्चों ने, उस पर कोटे पर अमल नहीं किया जाता। इस पर बंद किया जाए कि अकलीतों के 5% कोटे पर अमल किया जाए। शुक्रिया सर।